अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आई पैलेट से टिंट कैसे तैयार कर सकते हैं। एक पैलेट से आप चार चीज़ें बना सकते हैं। तो आप आई शेडो तो हर घर में ही मौजूद होती है। अगर आपके ऐसे आई शेड्स हैं जो आपने एक्सपायर किए हुए हैं, यानी आप उनको यूज़ भी नहीं करती हैं और आपका दिल भी नहीं करता उन्हें देखने का, तो उनको अब कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो कलर्स कैसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, प्यारे प्यारे कलर्स, ये देखें। सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बना के बताऊँगी वो है लिप बाम। लिप बाम आजकल बहुत ही तरह तरह के कलर्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इतने सारे तो बंदा ख़रीद के भी नहीं रख सकता। जैसा कि हालात आजकल आपके सामने ही हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, तो आप अपने जी ये शेड्स उठाएं, आई शेड्स उठाएं और इनमें से अपने पसंद का लिप बाम आप खुद ही कैसे बनाएंगी ये देखें आपके सामने। ये जी मैंने इसमें से कलर चूज़ करना है, ये बिल्कुल लाइट ऑरेंज सा कलर था और इसमें हल्का हल्का सा ग्लिटर यानी शाइनिंग भी थी। ये मैंने कलर चूज़ किया, तो इसको हमने ले लेना है इस तरह से, ये कलर ले लिया। उसके बाद इसमें मज़ीद शाइनिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ये पिंकिश सा शेड था, ये ऐड किया मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा। ये क्वांटिटी आप देख लें, बस इतनी ही चाहिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं। दो शेड मैंने यहाँ पे लिए हैं और ये जी बन रहा है हमारा लिप बाम। इसमें अब मैंने ले ली थी वैसलीन, कोई भी वैसलीन ले लें आप। इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करें और ये आपका लिप बाम बन गया। अब ये एक लिप बाम, इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने और चीज़ें और जगहों पे भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इसको आप टिंट बना के यूज़ कर सकती हैं, जैसा कि अब विंटर्स हैं, आपको पता है जी विंटर स्टार्ट हो गए हैं और स्किन पे ड्राइनेस के पैचेस आने लग जाते हैं, तो इसको आप अप्लाई करें एज ए टिंट और एज ए आप इसको ब्लश ऑन की जगह अपने चिक्स पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत अच्छी है, स्किन में मेल्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में और पता भी नहीं चलता कि ये आपने लगाया हुआ क्या है। इसी तरह ही लगता है जैसे क्रीमी शेड लगाए हुए हो, क्रीमी जो है ब्लश ऑन लगाया हुआ हो, इसी तरह फील होता है। बहुत प्यारा ये देखें इसका इफ़ेक्ट आया है। ये आप अपने, अगर आपको लिप्स पे कलर चाहिए तो आप इसमें शेड डार्क कर सकती हैं, अगर आपको नोज़ पे लगाना है एज ए टिंट तो ये बिल्कुल मुनासिब इसकी क्वांटिटी है। ये देखें इस तरह से ये बनेगा। और ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो और टिप कि आप किस तरह से अपने आई शेड कलर से लिप बाम बना सकती हैं और टिंट बना सकती हैं और क्रीमी सा ब्लश ऑन बना सकती हैं। तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत सारे कलर्स मार्केट से बाय करें, तो आप अपना टिंट हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, लिप बाम हो गया, ब्लश ऑन हो गया, आप एक ही किट से आप ख़ुद ये कलर सारे मैनेज कर सकती हैं। तो जी नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।